जय हरि श्री हरि जय जय हरि जय हरि जय हरि श्री हरि जय जय हरि जय हरि श्री हरि जय जय हरि जय हरि श्री हरि जय जय हरि नारायण नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला नारायण ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत आज तेरी तपस्या के बल पर देवराज इंद्र का सिंहासन जय हरि श्री हरि जय जय हरि जय हरि नारायण 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 देवराज इंद्र का सिंहासन डगमग डगमग डोलने लगा जय हरि श्री हरि जय जय हरि कामदेव कामदेव पर विजय प्राप्त करना यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं या तो इस चराचर में भगवान आशुतोष कैलाश पर विराजमान उन्होंने काम को जीता है मगर अब जय हरि श्री हरि जय जय हरि कामदेव पर विजय प्राप्त करना यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है क्यों न चलकर मैं इस समाचार को कैलाश पर्वत पर चलता हूं अब भगवान आशुतोष औढ़रदानी भूतनाथ विश्वंभर से कहता हूं आशुतोष तुम औढ़रदानी आशुतोष तुम औढ़रदानी आरती हरहु दीन जन जानी भगवान आशुतोष से कहता हूं कि हे प्रभु अब आप ही नहीं है जिन्होंने कामदेव को जीता है इस संसार में यह नारद भी काम जीत वाला बन चुका है मैं चलूं कैलाश पर्वत जय हरि श्री हरि जय जय हरि हरि बोल
प्रभो प्रभो प्रभो, दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रभो। कल्याण वस्त ओम यशांके चविभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। हे देव ऋषि, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। प्रभो प्रभो, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि। अत्यंत प्रभो, अत्यंत प्रसन्न हो। हे देव ऋषि, इसका क्या कारण है? प्रभो कारण, प्रभो कारण, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि, जय हरि श्री हरि। जितना मैं प्रसन्न चित्त हूं, इससे दुगने प्रसन्न आप हो जाएंगे भगवान। आपका उतावलापन ही बता रहा है कुछ कारण बहुत अच्छा है। सही प्रभो, सही, मैं बताता हूं आपको कारण। हे प्रभो, मैं यूं ही भ्रमण करते करते, जैसा कि आपको मालूम ही है, श्रापवश मेरा मन चंचल है, मैं एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहता, मैं घूमता ही रहता हूं, भ्रमण करना मेरा स्वभाव है। परंतु हिमालय की कंदराओं में एक ऐसे स्थान पर मैं पहुंच गया, जिस स्थान पर मेरा यह चंचल मन स्थायी हो गया, शांत हो गया प्रभु। और मेरे अंतःकरण से यह आवाज आई, हे नारद, यही वो स्थान है जिस स्थान की तू तलाश में इतने दिन से भटक रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था प्रभो? फिर जय हरि श्री हरि, जय जय हरि। इस बात से अनभिज्ञ कि ईश्वरपति देवराज का इंद्र का सिंहासन प्रभो अमरावती डगमग डगमग डोल उठी। कहा इंद्र का सिंहासन डोल उठा? हाँ प्रभो, देवराज इंद्र का सिंहासन डगमग डगमग डोल उठा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था प्रभु? फिर वही बात, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि। प्रभो, देवराज इंद्र ने, उस मूर्ख देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या को, मेरी तपस्या को भंग करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किए प्रभु, अनेकानेक प्रयत्न। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु, जब देवराज इंद्र ने कामदेव को, प्रभु ध्यान दीजिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा प्रभु, सुन रहा हूं प्रभु, कामदेव को, कामदेव को आपके इस नारद के पास भेजा। क्या कहा? हाँ प्रभु, कामदेव। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु क्या होना था आपको? तो आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, फिर वही हुआ, जय हरि श्री हरि, जय जय हरि। प्रभु, वह कामदेव मेरी तपस्या के बल पर परास्त हो चुका है, और अब मैं भी कामजीत हूं प्रभु। बहुत सुंदर बात है। हाँ प्रभु। हे देव ऋषि, यह तो बहुत अत्यंत प्रसन्न करने वाली बात है। हाँ प्रभु, अत्यंत प्रसन्नता की बात है।
ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं और तो और तपस्वी भी हैं। हे देव ऋषि जी प्रभु, यह प्रश्न आपने मुझे तो सुना दी जी प्रभु, लेकिन श्री हरि विष्णु जी को मत कहना, अन्यथा इसमें आपका लाभ ही होगा। नारायण नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, मुझे आदेश दीजिए। शुंभुदी हे मेरे देवगढ़, जय और विजय। आप दोनों पीछे पीछे जाइए और नारद जी के पीछे पीछे जाइए और जाइए उनकी लीला देखिए। भरता